साथियों, अटल टनल केंद्र सरकार के उस संकल्प का भी हिस्सा है कि देश के हर हिस्से में, देश के हर व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचना चाहिए। वरना आप याद कीजिए, पहले की स्थिति क्या थी। लाहौल स्पीति जैसे देश के अनेक हिस्से ऐसे थे जिनको अनेकों समस्याओं के साथ संघर्ष करने के लिए उनके नसीब पर छोड़ दिया गया था। इसका सीधा सा कारण यह था कि एक क्षेत्र कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध नहीं करते थे। साथियों, बीते सालों में अब देश में नई सोच के साथ काम हो रहा है। सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास हो रहा है। सरकार के कामकाज के तरीकों में बड़ा बदलाव लाया गया है। अब योजनाएं इस आधार पर नहीं बनती कि कहां कितने वोट हैं। अब प्रयास इस बात का है कि कोई भारतीय छूट न जाए, पीछे न रह जाए। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण लाहौल स्पीति है। ये देश के उन पहले जिलों में से एक है जहां हर घर पाइप से जल की व्यवस्था हो चुकी है। जल जीवन मिशन कैसे लोगों का जीवन आसान बना रहा है, ये जिला उसका प्रतीक है। साथियों, हमारी सरकार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी को मूल सुविधाएं देने के संकल्प के साथ काम कर रही है। आज देश के 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पीने का शुद्ध पानी पाइप से पहुंचाने का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी देश के 18,000 से ज्यादा गांव अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे। आज इन गांवों में रोशनी पहुंच चुकी है। आजादी के दशकों बाद इन क्षेत्रों में टॉयलेट की सुविधाएं मिल पाई है। इतने सालों के बाद इतना ही नहीं, खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस के कनेक्शन उपलब्ध हो पाए हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि देश के दूर सुदूर में बसे हर क्षेत्र को अच्छे से अच्छा इलाज मिल पाए। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी गई है। यहां हिमाचल के भी 22 लाख से ज्यादा गरीब भाई बहनों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ है। इन सभी अभियानों से देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों में रोजगार के भी अनेकों नए अवसर बने हैं। नौजवानों को लाभ हुआ है।